आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। पड़ोसी जनपद एटा के सराह अगहत निवासी नफीसा का विवाह थाना जहानगंज के ग्राम तकिया निवासी मनमुख शाह की 24 वर्षीय पुत्री रवीना के साथ हुआ था। लगभग 45 दिन से रवीना अपने पति नफीस के साथ मायके में रह रही थी, जहां सुबह नफीसा का रक्तरंजित शव उसके मायके से बमुश्किल 150 मीटर की दूरी पर रूनी निवासी हरिश्चंद के हाथा में पड़ा मिला। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप, सीओ राजवीर और थाना अध्यक्ष देवेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। ये रवीना वाइफ ऑफ नफीस, लगभग 22-23 साल इनकी उम्र है। ये अपने घर से 25-30 मीटर दूर एक आता है छोटा सा, जिसकी बाउंड्री वाल बड़ी नीची है और इसमें पेड़ वेड़ लगे हुए हैं आम के और विभिन्न, इसी अहाते में इनका शव मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका रवीना 2.5 माह की गर्भवती थी। हत्या किसने की और रात में वह घटना स्थल पर क्या करने गई थी, पुलिस कुछ सवालों के जवाब जानने में लगी है। ऐसा देखने से लगता है इनको गोली मारी गई। इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, इनके घर वालों की तरफ से तहरीर ली जा रही है, या मायके में थी, घटना का पता लगाया गया। सर, घटना दिन की या रात की? ये रात की घटना है। ये पड़ोस में इनके रिलेशन में शादी थी, जिसमें कल भात का कार्यक्रम था, उसी में ये सम्मिलित होने के लिए गई थी और वहाँ से ये घर आई। वहाँ से शौच जाने के लिए डब्बा होता है, उसको लेके लिए घर आई थी। तो क्या घटनाक्रम हुआ है अभी योजना कर, परिजनों की तरफ से तहरीर ली जा रही है। अगर हत्या हुई है और गोली मारी गई है तो इसका मतलब है कि किन्हीं कारणों से हत्या की गई है। फिलहाल सबका पोस्टमार्टम कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फरुखाबाद से पुनीत मिश्रा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।